जय हिंद साथियों, प्रधानमंत्री भी गजब की चीज है। एक मुद्दे को उठाते हैं और समूचा भारत उसमें उलझ जाता है। ना सिर्फ उलझता ही है बल्कि देखने और समझने भी लगता है कि अब वो कहां पर खड़ा है। राजनीतिक तौर पर नेताओं को लगता है कि अब अगर इस मुद्दे के आश्रय सत्ता मिल गया तो वाह वाह है, अगर नहीं मिला तो देखेंगे आने वाले वक्त में होगा क्या। इस देश के लोग भी सोचने लगते हैं कि अच्छा अब ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो कौन सा असर उस पर पड़ने वाला है। लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि दरअसल जो ऐलान होते हैं उसके नीचे की जमीन है भी या नहीं है, सरकार के पास कोई डाटा है भी या नहीं है। सरकार यूं ही ऐलान करके समूचे देश को उलझा देती है। महिला आरक्षण बिल हमारे सामने है, आकर के ये खड़ा है, लेकिन कोई कोई वाकई बता सकता है कि ये कब से लागू होगा, और लागू होगा भी तो कहां लागू होगा और किस रूप में और कैसे लागू करने की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल नहीं कोई बता सकता। लेकिन हम 2021 की गणना किया ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि इस देश में कितने नागरिक है। हमें नहीं जानकारी है कि 18 वर्ष से ऊपर जो वोटरों की तादाद होती है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी बढ़ चुकी है। वो आकलन, वो आंकड़ा धीरे धीरे निकलेगा जब चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि अगर इस देश के जनसंख्या की जानकारी नहीं है तो इस देश में कल्याणकारी योजनाएं जो बनती है वो कैसे बनती है, कैसे सरकार को पता है कि कितने किसान छोटे हैं और कितने सीमांत किसान हैं। उनकी संख्या जो सरकार ने निर्धारित किया उसमें जब जनगणना हुआ नहीं तो वो जानकारी कहां गया, और कैसे, क्या वाकई सरकार जानता है कि भारत के भीतर में कितने महिलाएं दिहाड़ी काम करती है, कितनी महिलाएं बिजनेस करती हैं, कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में मजदूर काम करते हैं और उन मजदूरों में महिलाओं की संख्या कितनी है। क्या वाकई सरकार को यह सब कुछ पता है या सिर्फ एक जुमला उछाल दिया गया कि हाँ अब ये होगा। यानी वर्षों वर्ष से जो चीजें चली आ रही है उसकी कोई जमीन तो तैयार होनी चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यह भी हो चला है कि जब देश के पास इस देश के फैक्ट्री नहीं है तो यह देश को चलाया कैसे जा रहा है। और जब जब जिक्र पिछड़ों का होता है, आर्थिक तौर पर गरीबों का होता है, जब दलितों का होता है, जब आदिवासियों का जिक्र होता है तो इनकी जनसंख्या क्या सरकार को पता है। 2011 में तकरीबन 131 करोड़ जनसंख्या भारत में थी, लेकिन 2021 में क्या होगा, यानी 2011 के बाद 21 में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन अब 2023 में खड़े हैं और यूनाइटेड नेशन कहता है कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो चुकी है। 142 करोड़ का मतलब यह कि 21 करोड़ लोग 2011 के बाद से बढ़ चुके हैं। तो कौन से लोग बढ़े हैं, क्या वो हिंदू हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या ओबीसी हैं, क्या दलित हैं, क्या आदिवासी हैं, क्या पुरुष हैं कि महिलाएं हैं, किसकी तादाद बढ़ी है और योजनाएं इस देश के भीतर में कैसे चलती है। तो क्या सब कुछ हवा में है और उसी प्रक्रिया के भीतर महिला बिल भी सामने आकर के खड़ा हो चला, जिसको लेकर के तमाम आंकड़े बार बार परोसे जा रहे हैं कि हाँ अब तो ऐसा होगा। तो क्या शेड्यूल कास्ट के भीतर आरक्षण था जबकि सीटों को लेकर के उसमें से 33% महिलाओं के लिए निकाल दीजिए। फिर कहा गया कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसके भीतर से भी 33% निकाल दीजिए, बाकी जनरल कैटेगरी में। तभी शोर हुआ कि पार्लियामेंट के भीतर नहीं नहीं, पिछड़ों का भी तो आपको सोचना चाहिए और पिछड़ों को लेकर के, पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है, सरकार ने तो इस पर भी चुप्पी थाम ली। अलग अलग राज्यों ने कहा हम जनसंख्या कराएंगे और जनसंख्या ये पता लगाए कि इधर बैकवर्ड क्लास कितनी है। लेकिन सरकार के पास कौन सी फिगर, जो कौन सी फिगर से जब इस दिशा में आप जाएंगे जहां पर पार्लियामेंट के भीतर हर तीसरा जीता हुआ सांसद कोई महिला होगी, या यह स्थिति कब आएगी यह कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जनगणना जब तक होगी नहीं, जनगणना के बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों की संख्या जब तक पूरे तरीके से सामने आएगा नहीं तब तक पैमाना क्या होगा और परिसीमा कैसे तय होगा। जब कुछ भी नहीं है तो आज किन बातों का कैसे जिक्र किया जाए, क्या इस बात का जिक्र किया जाए कि जो डाटा इस देश के सामने है, जो डाटा इस दौर में छुपा लिया गया और जिस डाटा के आश्रय सरकार सोचती है और इस देश की हकीकत जिस डाटा को देखता है, क्या कहां पर आप खड़े हैं आज। हमारे जो ये सारी चीजों को जो हम अलग माध्यमों से जो परखा और समझा है उसमें एक बात बहुत साफ तौर पे
कहा है कि हम जिस डाटा को हम दे रहे हैं उस डाटा के जरिए इस देश के भीतर में जो तमाम इंस्टीट्यूशन संस्थान काम करते हैं उनके जो अपने जो फैक्ट एंड फिगर होते हैं उनके आधार पर यह चीजें आपको दिया जा रहा है। तो हमें यह लगता है कि आज महिला आरक्षण से पहले इस बात को सिर्फ समझ लीजिए आप कि इस देश के भीतर में कितने महिलाएं हैं जो काम करते हैं, इस देश के भीतर में कितने महिलाएं हैं जिनकी परिस्थिति इस देश में इतनी नाजुक इस दौर में हो गया है कि उनको लेकर के रास्ता निकलेगा क्या। तो ऐसे में क्या चुनाव के मद्देनजर यह महिला आरक्षण का मुद्दा एक झटके में नई पार्लियामेंट के साथ यह कहकर के उछाल दिया गया कि अब ऐतिहासिक फैसले लेंगे। जब जब पार्लियामेंट के भीतर महिला आरक्षण का जिक्र हुआ है तब तब की राजनीति को अगर आप याद कीजिएगा तो बीते 30 वर्षों से आप उस राजनीति से सिर्फ धोखा खाए हैं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि मौजूदा समय में धोखा मिलेगा, लेकिन जरा इस देश के फैक्ट्स को जरा समझिएगा आप कि यह इसलिए भी समझना जरूरी है कि तब आप उस हकीकत के जमी पर खड़ा हो पाएंगे। हिंदुस्तान भारत के भीतर आज की तारीख तकरीबन 95 करोड़ वोटर है। जो इलेक्शन कमीशन का डाटा कहता है उस 95 करोड़ में से 46 करोड़ वोटर महिलाएं हैं। उस महिलाओं के लिए जो इस देश में काम की सुविधा है वो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सैलरी क्लास में आते हो, चाहे वो किसानी करती हो, चाहे दिहाड़ी करती हो, सीएमआईई ने एक डाटा निकाला जी इस देश के भीतर में जो मजदूर और कामगारों का हाल क्या है। 95 करोड़ वोटरों में से इस देश में से एम्प्लॉयमेंट जो है वो 50% को भी दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। आप कहेंगे कि 18 वर्ष का लड़का कहां काम करे, इस देश में तो 14 वर्ष के बाद से काम करने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन 18 से 25 के बीच के हिस्से को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल से निकला है, तो आप जो इस देश के भीतर जो मजदूरों की तादाद है, जो लेबर कमीशन अपने तौर पर कहता है 14 के बाद से हमको मिलना चाहिए, तो ये लगभग इक्वल हो जाता है जो 14 के बाद से लगभग काम करने की शुरुआत लोग करते हैं। और हम आप जो सोचते हैं कि 18 से 25 के बीच में तो बालक पढ़ रहे होंगे, लड़कियां पढ़ रही होंगी, उनको मत गिनिए, लेकिन जो डाटा निकल करके बाहर आता है उसको बताता है कि अगर 95 करोड़ वोटर हैं तो 40,58,00,000 लोग इस देश में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में उदिहारी मजदूर, किसी भी तरह की मजदूरी, व्हाइट कलर हो या किसी भी कलर की मजदूरी हो, लगभग 40,58,00,000 है। इसमें से महिलाएं कितनी हैरत करने वाली स्थिति है कि जो महिलाओं की संख्या जो काम करती है वह सिर्फ 3,82,82,00,000 है। अब 3,82,00,000 में से सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं जिनकी संख्या 1,85,00,000, यानी तकरीबन या 45% दिहाड़ी मजदूर है। जो किसानी करती हैं उनकी संख्या लगभग 69,00,000 है। जो सैलरी पाती हैं अलग अलग जगहों पे उनकी संख्या लगभग 89,00,000 और जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या लगभग 38,00,000। पुरुषों का मत पूछिए, पुरुषों का वर्चस्व है, तकरीबन 36,77,00,000 पुरुषों इस देश के भीतर में काम करते हैं और महिलाएं सिर्फ 3,82,00,000 महिलाएं काम करते हैं। अब यह बात यहीं से शुरू होता है और इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है जो करना क्यों पार्लियामेंट के भीतर जो महिलाओं को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं कि जो कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं आएंगी और उसके बाद इस देश के भीतर की स्थिति शानदार तरीके से चलेगी, जब आएंगी कब और चलेंगी कब। मौजूदा सच तो यह है कि पार्लियामेंट का हर तीसरा सख्त वहां पर जो बैठा है वो तीसरा मत कहिए, दूसरा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 200 लगभग 22 से ज्यादा सांसदों के ऊपर कुछ कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें संगीन भी है, जिसमें दागी सांसदों की तादाद हर दूसरे उम्मीदवार के तौर पर है। यह अच्छी बात होगी कि महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगे तो उन पर कम से कम उन्होंने कम से कम अपराध तो नहीं किसी ने किया है, उनकी तादाद इस रूप में तो नहीं होगी कि वो दागी हैं, तो जाहिर तौर पर एक सह का वक्त है कि एक अच्छी बात है। लेकिन यह लागू होगा कब से, सरकार ने तो हवा में उछाल दिया और उसके भीतर का सच अब यह है कि हर तीसरे सदस्य पार्लियामेंट के भीतर जो आधी आबादी है उसको आ जाना चाहिए और उसके नियम कायदे भी सरकार ने बतला दिए है कि दरअसल अब महिला आरक्षण जो लागू हो रहा है उसमें यह रोटेशन पर होगा, 15 वर्ष के लिए होगा, एससी और एसटी के मात्र जो भी अभी रिजर्वेशन है उसमें भी 33% होगा, उसका अगर हिसाब लगाइएगा तो जो 84 सीट शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है उसमें से आप 28 सीट निकाल दीजिए वो महिलाओं के लिए होंगे,
इसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब्स के 47 सीटें उसमें से 15 सीट निकाल दीजिए। अब जब आप इसको निकाल चुके होंगे तो आपके जहन में आएगा कि बाकी कितनी बची और बाकी बचती है इसको मिला करके 138 सीट ऐसी होगी जो जनरल कैटेगरी की होगी। आप कहेंगे कि कुछ भी हो रहा है लेकिन शानदार है, यह शानदार है लेकिन ये लागू होगा कब, जब जनसंख्या पता नहीं है, परिसीमन की जानकारी नहीं है। हम इन बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि इसको एक क्षण के लिए भी ऐसे आप समझिए कि इस देश के भीतर में हमारे पास जो डाटा आया है उसमें जो एक मलकाजगिरी जो है वह सबसे बड़े लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 2014 में यहाँ के वोटरों की तादाद थी 29,53,000, 2019 में यह बढ़कर 31,50,000 हो गया और आज की तारीख में वहां देखिएगा तो 33,75,000 है। जरा सोचिए आप, 33,75,000 लोग एक सांसद को चुनते हैं और इस देश के भीतर की जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लक्षद्वीप की है, जहां पर आज की तारीख में लगभग 50,000 वोटर एक को चुनते हैं, एक पार्लियामेंट्री को चुनते हैं। तो जब आप डिलिमिटेशन के तरफ बढ़िएगा, आप परिसीमन के जब आप बढ़िएगा, उससे पहले आपको एक जानकारी हर दिशा में होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या यह कहती है कि 121,54,00,000 जो यूनाइटेड नेशन 2023 के अगस्त के महीने तक की जानकारी देता है कि जो भारत के 142,86,27,663 जनसंख्या हो चुकी है, यानी 21,77,72,686 लोग इस देश की जनसंख्या में बढ़ चुका। एक क्षण के लिए आप सोचिए, जब पहली बार 1931 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 28 लाख थी, यानी एक उस समय के 10 बरस से ज्यादा बढ़ चुके, 12 बरस, 13 बरस, 14 बरस उन्हें बढ़ चुका है। यह देश है और देश में शायद इसीलिए हमने एक सवाल और किया कि यह देश चल कैसे रहा है। किसे पता है कि इस देश में गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को जो अनाज बांटा जाता है उनकी संख्या क्या 80 करोड़ ही है और उसके मात्रा क्या 100 करोड़ पार नहीं कर गए। क्या वह वाकई सरकार दावे के साथ कह सकते हैं कि ये छोटे और सीमांत किसानों की संख्या इस देश के भीतर में 9 करोड़ ही है। इस दौर में तो किसानों की जमीन और खत्म हुई है, जो छोटे और सीमांत किसान थे उनकी तादाद और बढ़ी है और इसकी एक रूपरेखा मनरेगा में नजर आएगा। मनरेगा के भीतर जितनी बड़ी तादाद में जो किसान छोटे थे वो मजदूरी के लिए पहुंच गए, वो राज्यवार डाटा जब उस चीज को निकाले तो पता चला कि उसमें लगभग 17% लोगों का इजाफा इस तरीके से हुआ है जो कल तक छोटे और सीमांत किसान माने जाते थे, अब वह मजदूरी में तब्दील हो गए। तो हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि सामाजिक परिस्थिति इस देश के उस आकलन को आर्थिक तौर पर बता पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इस पार्लियामेंट को लेकर के एक आवाज बनाया है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी होनी चाहिए। उसके लिए जमीनी काम हम नहीं करेंगे, हमने उस पर रोक लगा दिया और जब नहीं करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। हर पार्लियामेंट के भीतर जिक्र तो राजीव गांधी से आज किया गया और बताया गया कि राजीव गांधी के काल में, फिर बताया इंदिरा गांधी के दौर में, फिर बताया गया कि नेहरू के वक्त में भी सोचा जाता था, फिर कहा गया कि उसके बाद बहुत चीजें डेवलप होती चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ, मनमोहन सिंह का काल भी आगे आ गया, लेकिन ईश्वर ने मौजूदा प्रधानमंत्री को भेजा है कि आपको अच्छे काम इस दौर में करने हैं। खुद प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर इसका जिक्र भी किया, लेकिन फिर वही सवाल, क्या वैज्ञानिक तरीके से चीजों को परखिए तो इन तीन चीजों का इंप्लीमेंट तुरंत होना चाहिए। 8 महीने का वक्त है, इस 8 महीने में जो जनगणना इस देश की है वो सामने आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में परिसीमन तय होनी चाहिए। इस 8 महीने के भीतर परिसीमन तय करके, क्योंकि इंडिकेशन यही थे कि जहां जहां 18 से 20 लाख से ज्यादा के वोटरों की मौजूदगी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और उसका जब हिस्सा निकाला गया तो इस देश के भीतर में 180 के लगभग ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो लोकसभा की, जहां पर 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, यानी अब वह एक के बदले 2 सदस्य चुन सकते हैं। इस बात का जिक्र भी किया।
आबादी के आधार पर आप देखिएगा जिसके दायरे में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, दूसरे नंबर पर राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवे पर बिहार और छठे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। और महिला आरक्षण जो लागू करने का जिक्र है इसको लेकर के कमोबेश पूरे भारत में जो विपक्ष के दिशा में उसमें खुले तौर पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी नहीं कह पाई। इससे पहले लालू यादव, शरद यादव, मुलायम यादव विरोध किया था और इस बात का जिक्र करते थे कि अब इसमें शहरी महिलाएं ज्यादा है, ग्रामीण महिलाएं नहीं आएंगे। इसका उन्होंने वजह बताई थी कि वह उस रूप में बहुत अंतर्मुखी होती है, वह बोल नहीं पाती हैं और चुनाव के मैदान में कूदने के लिए आपको बहुत वोकल होना पड़ता है, आपको खूब बोलना पड़ता है, समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए पंचायत स्तर के वो चले गए जहां पर पति ही पत्नी के जरिए लड़ने लगा और पत्नी सिर्फ ठप्पा लगाने के काम में लाई जाने लगी। यह परिस्थिति तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से नजर भी आई। लेकिन क्या पार्लियामेंट के भीतर भी इन चीजों को लेकर के अब जो सवाल उठ रहे हैं उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे केसीआर की पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, अकाली दल हो, पीडीपी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, एनसीपी हो, सीपीआई हो, आरएलडी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन पार्टियों का नाम हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि मार्च के महीने में दिल्ली में एक रैली बुलाई थी टीआरएस ने, उस समय केसीआर की बेटी के कविता उसकी अगुवाई कर रही थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस नहीं पहुंची थी। कांग्रेस का कहना था इस मुद्दे पर हम पहले से उठाते चले आए। लेकिन एक क्षण के लिए आप सोचिएगा कि हमने इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो आबादी के आधार पर टॉप में यूपी नंबर वन पे है और यूपी की जो जनसंख्या है वहां पर 19 करोड़ हुआ करती थी 2014 के आसपास में और उसके बाद आपकी स्थिति बढ़ते बढ़ते 23-24 करोड़ पहुंच चुकी है। कहां पर लोग बढ़े हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बढ़े हैं, कोई आकलन किया जाना चाहिए ना। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बाद जब चीजें परखी जाएगी और उसके बाद जब परिसीमन टीम बनाई जाएगी तो उसके बाद भी एक बेस होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए भारत के भीतर में यहाँ के लोगों को लेकर के सरकार चाहे इकोनॉमी का बैकवर्ड क्लास के जिक्र करे, चाहे दलितों को लेकर के जिक्र करे, चाहे पासमानदा समाज को लेकर के जिक्र करे, चाहे वह इस देश के भीतर में हर उस तबके को लेकर के जिक्र करने शुरू करती है तो वह एक हवा में फेंका गया ऐसा गोला होता है जिसका जरिए उस तबके को महसूस होता है हाँ सरकार तो कुछ सोचती तो है हमारे लिए, लेकिन सवाल है कि जो इम्प्लीमेंट कहां तक हो पा रहा है। लेकिन जो हमारी टीम ने इस चीज को समझा परखा है, जो हम आपको बता रहे हैं सम्मान निधि का दायरा है उसमें एक बात निकल करके आ रहा है कि जो भी अलग अलग जो चार चार महीने में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं वो वैरी करते हैं, हर चार महीने के बाद सबको नहीं मिलता है। दूसरी बात जब एवरेज निकलिएगा तो लगभग 45-62% के बीच ही रेंगते रहता है, यानी किसी को पहली बार मिला हुआ तो किसी बार दूसरी बार नहीं मिलेगा तो तीसरी बार भी नहीं, चौथी बार मिलेगा तो उसको लगेगा मिल तो रहा है। एक ऐसी परिस्थिति में चीजें चल रही है। दूसरी बात यह आ गई सामने कि यह सारी चीजें उन्हें एससी और एसटी का जिक्र हो रहा है तो ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, यह राजनीतिक तौर पर चीजें निकल करके आ रहा है। जरा आप समझिए कि मौजूदा वक्त में महिलाओं को लेकर के राजनीतिक तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की मानसिकता क्या रही है। 21वीं सदी में कांग्रेस और भाजपा कितने परसेंट की, कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी में 9.5% टिकट दिया, बीजेपी ने 8.6% टिकट दिया। शेड्यूल कास्ट में यानी दलितों की तादाद में देखिएगा तो कांग्रेस ने 12.5% टिकट दिया, बीजेपी भाजपा ने 5.9% यानी 6% से भी कम टिकट दिया। आदिवासियों को लीजिएगा 14.8% को टिकट दिया कांग्रेस ने, 6.7% को टिकट दिया भाजपा ने। पहला राउंड यह है और भाजपा और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि हमारी वजह से यह चीजें हुई, तो महिलाओं को लेकर के दोनों की स्थिति है। यहां आप कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन दोबारा लौटिए लोकसभा के भीतर फिलहाल 15% महिलाएं, 78 उनकी तादाद है, राज्यसभा में तकरीबन और कम है 13% है, 31 महिलाएं हैं। लेकिन इस देश के विधानसभाओं के भीतर जाइएगा तो 10% से कम महिलाएं आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, असम में, गोवा में, केरल में, हिमाचल में और तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% से भी कम महिलाएं विधानसभा पहुंची है। मैक्सिमम पहुंची है तो छत्तीसगढ़ में परसेंटेज कितना है 14.4%,
बंगाल दूसरे नंबर पर 13.7%, झारखंड तीसरे नंबर पर 12.35%, दिल्ली बिहार हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 10-12% के बीच में डोलते रहते हैं। अब यहां पर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार ने यह तैयार किया ही नहीं है, तो लिस्ट तैयार नहीं किया तो इस बात का जिक्र इस दौर में क्यों कर रहा है? तो जाहिर है सरकार का रिसर्च अब बताने लगा है कि जिस देश के भीतर में महिलाओं को 1,000 रुपये पंजाब में दिए जाए और आम आदमी पार्टी आ गई, कर्नाटक के भीतर 2,000 रुपये देने का वादा किया और कांग्रेस जीत गया, बिहार में लड़कियों को साइकिल बांटी गई, नीतीश कुमार को कोई डिगा नहीं पाए, और अब मध्य प्रदेश के भीतर 2,500 रुपये देंगे इसका जिक्र कांग्रेस कर रही है, तो एक बात साफ आ गई कि महिलाएं इनको आप अलग अलग तरीके से बांट नहीं सकते हैं, महिलाओं की अपनी राजनीतिक ताकत और महिलाओं की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, दोनों को कमोबेश किसी भी समाज विशेष के बीच में कोई बहुत अलग नहीं है, और इस पूरे तबके को अगर आप लुभाना है तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करना होगा कि हाँ हम इस रूप में अब महिलाओं के हक में आकर के खड़े हो गए हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे इस देश में आरक्षण का जिक्र होता है, लेकिन सरकार ने इस देश के भीतर में जो सरकारी नौकरियां होती थी उसको खत्म कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे पाने की दिशा में सरकार बढ़ नहीं पाती है, तो इस देश के भीतर में नौकरियां नहीं है लेकिन आरक्षण की व्यवस्था हम करेंगे, और जो जिंदगी की जरा सी भी सुविधाएं मिल जाए किसी भी रूप में, चाहे वह एडमिशन को लेकर के हो, चाहे एक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल जाए, हर छोटी से छोटी चीज जब राजनीतिक तौर पर ही आपको मिलेगा, यानी आपका कोई हक नहीं है, सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है जो सब्सिडी दे रही है और जो वेलफेयर योजनाओं का ऐलान कर रही है, सरकार अपने वोट बैंक की मानसिकता से इस देश को उस मानसिकता में कन्वर्ट कर देती है जहां पर वोटरों को लगने लगे कि सरकार ये हमारी है क्योंकि हमको देती है, या देश का पैसा है, या देश के संसाधनों की लूट से निकला हुआ पैसा है, या इस देश के संविधान के तहत जो बड़े तबके को एक बराबर लाने की सोचती है उसको खारिज करके कॉरपोरेट के हाथ में इस देश की संपत्ति को सौंप कर उस कॉरपोरेट से चंद बातों में पैसा बटोरने वाला पैसा है, यानी जो इस देश में संविधान कहता है कि यह हक है आपका, उस हक को राजनीतिक दलों ने कहा हम दे रहे हैं, और इसी का होर में इस पूरे देश को ला करके खड़ा कर दिया गया, और इसी दायरे में महिला आरक्षण को कहीं ला करके खड़ा तो नहीं कर दिया गया है, क्योंकि कोई तारीख नहीं, कोई आधार नहीं, और शायद इसीलिए भी हम आपसे शुरू में कहा था कि इस देश को चलाने वाले क्या वाकई संविधान चलाते हैं, कभी उन्होंने संविधान पढ़ा है, कभी ने वो जिंदगी जीना ही नहीं, यहां तक कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको भी लेकर के हक का जिक्र किया गया है, और रोजगार तो बहुत शानदार है पहले से ही है, अभी व्यक्ति की आजादी का भी जिक्र है, लेकिन जीने की न्यूनतम से न्यूनतम जरूरतों का जिक्र भारत के संविधान के भीतर है, जिस संविधान को दफन करके राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जो हर 5 वर्ष में जारी करते हैं और बताते हैं कि हमको चुन लीजिएगा तो हम आपको ये देंगे, यह देने वाला आज तक संविधान में दर्ज है या आपको देना ही है, तो किस मानसिकता के तहत भारत की राजनीति रेंगती है, और अब संविधान पे पढ़ाओ या आप संविधान नहीं पढ़ाओ, लेकिन जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया उसी संविधान सभा के नाम पर हमारी पुरानी पार्लियामेंट इमारत अब सामने खड़ी है, मौका मिले तो जरा एक बार घूम आइए समझ लीजिए, और मौका मिले तो चले जाइए पार्लियामेंट और वहां जाकर के पढ़ लीजिए उस पार्लियामेंट में अपने हक और अधिकारों का जिक्र, और एक क्षण के लिए पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को निकालिए और जरा समझने का कोशिश कीजिए कि जो हमारे और आपके अधिकार हैं उस अधिकार को देने की एवज में यह लोग चाहते हैं कि हम चुनाव जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।